जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक वायरल नोटिस की बात करेंगे जो कि इस समय आप सभी लोग काफ़ी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस नोटिस में यह बताया गया है कि जो आपका मिड टर्म और इन टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का, वह 10 मई से होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 मई से होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि क्या यह नोटिस सही है या फिर यह नोटिस फेक है, और यह भी देखेंगे कि यह पूरी नोटिस क्या है। ठीक है, तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह पूरी नोटिस क्या है और क्या आपके 10 तारीख से ही एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो पूरी नोटिस बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों की स्नातक एवं परास्नातक सत्र 2022-23 की फर्म सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर यानी कि द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की जो मिड टर्म एवं एंड टर्म की जो परीक्षाएं हैं वह एक साथ संपन्न होनी है। यानी कि मिड टर्म और एंड टर्म आपका एक ही साथ होगा, यह तो आपको पहले से पता होगा। साथ ही साथ यह जो परीक्षाएं हैं वह 10/5/2023 से यानी कि 10 मई से प्रस्तावित हैं। ठीक है, इस नोटिस में ऐसा बताया गया है, तो यह सही है या फिर नहीं अभी मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ इसमें अभी लिखा है कि यह उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा समय सारणी तैयार करने के लिए करने में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने विभाग से संबंधित प्रोग्राम के अनिवार्य एवं वैकल्पिक सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों यानी कि थ्योरी पेपर की कोर्स कोड एवं कोर्स टाइटल तथा माइनर पेपर के नाम दिनांक 20/4/2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि स्नातक एवं परास्नातक सत्र 2022-23 की जो फर्म सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं यानी कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं की मिड एवं एंड टर्म की परीक्षा हेतु परीक्षा समय सारणी तैयार की जा सके। ठीक है, तो यह पूरी नोटिस थी जो कि मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब इस नोटिस का मतलब क्या है, क्या आपके एग्ज़ाम 10 तारीख से ही होंगे, यह जानते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो नोटिस है यह पूरी तरीके से सही है। ठीक है, यह नोटिस पूरी तरीके से सही है, और जो आपका यहाँ पर डेट दिया गया है कि 10/5/2023 से एग्ज़ाम होगा, तो क्या 10/5/2023 से एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा नहीं है। यह केवल आपका प्रस्तावित डेट है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपका 10 मई से एग्ज़ाम नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो आपका टाइम टेबल है वह तभी बनेगा जब आपके कोर्स के टाइटल वगैरह सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगे। तो विश्वविद्यालय ने उसी लिए यह नोटिस जारी किया था, यह आपके लिए नोटिस नहीं है, यह सभी विभाग अध्यक्ष के लिए नोटिस है कि जल्द से जल्द जो है आप लोग कोर्स का कोड टाइटल, ठीक है, और माइनर पेपर का नाम वगैरह प्रोवाइड करा दीजिए 20 तारीख तक, जिससे कि आपका जो है छात्रों का जो है टाइम टेबल बन सके। ठीक है, तो अगर आपका 20 तारीख यानी कि 20 तारीख तो आज ही है, अगर आपका सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, विभाग अध्यक्ष जो है विभाग से सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, तो आपका जो टाइम टेबल है वह बनना शुरू हो जाएगा, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 10 मई से ही होगा। लेकिन अगर इसमें विलम्ब होता है तो आपका एग्ज़ाम जो है 10 मई से नहीं होगा, क्योंकि केवल यह प्रस्तावित डेट है, और इस डेट को हो सकता है कि शिफ्ट किया जाए आगे 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन जरूर आगे शिफ्ट किया जाएगा। तो यह इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो कोर्स टाइटल वगैरह कोड वगैरह के नाम है यह कब तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, विश्वविद्यालय को, तो यह इस पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही आपका कोर्स टाइटल वगैरह आ जाएगा, आपका जो टाइम टेबल है वह तैयार कर लिया जाएगा, तो आपका जो है टाइम टेबल अपलोड कर दिया जाएगा। तो आई होप कि 20 तारीख तक आपका अवेलेबल हो जाए, यानी कि आज तक अवेलेबल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आपका एग्ज़ाम 10 मई से ही होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम 10 मई से नहीं होकर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि यह नोटिस सही है कि नहीं है। तो यह नोटिस पूरी तरीके से सही है, यह नोटिस में जो डेट दिया गया है वह सही है कि नहीं है, तो वह डेट भी सही है लेकिन केवल प्रस्तावित है। तो 10 तारीख को भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, 10 तारीख को के आगे भी जा सकता है। ठीक है, यह डिपेंड आप लोगों को मैंने बता दिया कि इस पर कर रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि हर सुबह 9 बजे द डीडीयू वर्ल्ड शो आता है, जिसमें आता नहीं है, अब स्टार्ट हो रहा है, नई सीरीज एक स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग रोज़ाना के जो भी नोटिस आई रहेगी उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो भी न्यूज़ वगैरह रहेगा डीडीयू से संबंधित उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग 9 बजे वाला जो शो आएगा उसको ज़रूर देखें।
ठीक है, हर सुबह 9 बजे। अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है उस सीरीज की, लेकिन जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसी वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।